प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ायो खिन लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं पलना वालू निरकुनेत्रे मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन। ए जो अरवाहें अर्स की पड़ी रहे तले कदम खान पान इनो इत ही रूहे रहे तले कदम रूहे रहे तले कदम याही ठोर रूहे बसत धामधनी अक्षर अतीत श्रीराज जी श्री इंद्रावती जी के दिल को धाम बनाकर विराजमान हुए और अपने हुक्म से श्यामा महारानी की रसना से इंद्रावती के धाम दिल में बैठकर इंद्रावती के तन को शोभा देते हुए अपने दिल का वो सागर पिला रहे हैं जिससे उनकी रूहों को करार मिले चैन मिले सुख मिले और आनंद मिले। ये माया का ब्रह्मांड जहां सुख और दुख आते रहते हैं जाते रहते हैं, न सुख शाश्वत है न दुख शाश्वत है। हां, हमारे ऊपर दुख पड़ता है तो हम परेशान हो जाते हैं और हमारे दिल में एक कसक उस समय उठती है कि राजी अगर आपने हमें परमधाम से यहां ना भेजा होता तो हम आपके चरणों में सुखी थे। और आप कहेंगे कि तुमने खेल मांगा, ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांगया तुम। तो हमने कुछ नहीं मांगा, जो कुछ करना कराना था उन्होंने हमारे दिल में उपजाया और हमने वैसे ही वैसे क्रीड़ा की वैसे ही वैसे लीला की जैसे धनी उपजाते गए। और परातम के दिल में वो उपजाते जाते हैं तो वो आत्म के दिल में आता जाता है। परातम के अंतस्करण जेती बीतत बात तेती इन आत्म के करत अंग साख्या। तो ये खेल देखने की ख्वाहिश, रूहों का यहां आना, एक इंसानी वजूद को धारण करना, जो राज जी ने दिल में लिया वो हुआ। लेकिन अब हमें करना क्या है? हमारे मूल तन कहां बैठते हैं? मूल मिलावे में तो ठीक है, स्थान तो मूल मिलावा है, लेकिन बैठते राज जी के चरणों में, ठीक है ना? और आत्मा कहां बैठती है? है? पर आत्म बैठती है राजी के चरणों में। आत्म कहां बैठती है? राजी के दिल में। तो ये तो बड़ा मजा है आत्म होने का। आत्म राजी के दिल में और पर आत्म राजी के चरणों में। लेकिन चरण और दिल में कोई अंतर होता नहीं। और दिल में है ये आप सभी सुंदर साथ यहां जो बैठे हैं
मैं जानता हूं बहुत प्रबुद्ध है, ज्ञानी है और वाणी उन्होंने बहुत पढ़ रखी है और काफी डूब चुके हैं, इसलिए इन बातों को बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परात्म का दिल कहाँ बसता है? राज्य के दिल में। और परात्म का दिल ही ये अपने स्वप्न के स्वरूप को देख रहा है, तो परात्म के दिल की जो नयन की नजर उस स्वप्न के स्वरूप पे पड़ती है, तो वो स्वप्न का स्वरूप भी राज्य के दिल में है। सुपन होत दिल भीतर रूह कहूं न निकसत। तो ये स्वप्न का जो खेल है वो राज्य ने अपने दिल में लिया हुआ है और उसके अंदर ही है। तो आत्मा है राज्य के दिल में और परात्म है राज्य के चरणों में, और परात्म का दिल है राज्य के दिल में और राज्य का दिल है परात्म के दिल में। ये जो अरवाहें अर्श की पड़ी रहे तले कदम, खान पान इनो इतही रूहे रहे तले कदम। परात्म राज्य के चरणों के छत्र छाया में विराजमान है, हर घड़ी उनके दिल में वो चरण बसते हैं और वो चरण ही निस्बत का स्थान है। चरणों से निस्बत क्यों कहा जाता है? वाणी में चौपाई है ना, ए चरण निमख ना छोड़िए राखिए माहे नैनन, ए निस्बत हक अर्स की मेरे जीव के यही जीवन। ऐसा ही बोलते हैं, वाणी कहती है। तो जरा अपनी सुरता ले जाइए मूल मिलावे में, राज्य के चरण देखिए, श्यामा जी के चरण कमल देखिए, गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए चरण का पंजा तली लाख एड़ी घूंटी टखना। जो चरण तली है उसकी जो लाख है गहराई वाला पोर्शन, उसके अंदर बहुत सारी लीके हैं, लीके माने रेखाएं, और बहुत गहरी है, और उसके अंदर राज्य के दिल का अनंत सागरों का रस भरा पड़ा है। ठीक है, परम धाम के अभी आप चर्चनी सुनते हो रोज सुंदर साथ, आपको पता है कि परम धाम के जो 25 पक्ष हैं उसके कितने फिरावे हैं? कितने फिरावे? कुछ जोर से बोलो बेटा। जेती प्रदक्षिणा निज धाम की सातों स्वरूप श्रीराज, ए सारे परना मिने वास्ते सैयन के सुख काज। परम धाम के जो 25 पक्ष हैं उनको सात परिक्रमा में, सात प्रदक्षिणा में एक तरीके से समझने के लिए विभाजित किया गया। वहां तो क्या विभाजन, लेकिन समझने के लिए, मात्र समझने के लिए, बड़ी राम, उसके बाद बड़ी राम के बाद है? है? बड़ी राम के बाद बड़ी रांग में है ना सर्वरस सागर, बड़ी रांग के बाद महानद, महानद के बाद छोटी रांग, छोटी रांग के बाद महानद, फिर वन की नहरें, फिर महानद, फिर माणिक पहाड़ का फिरावा, फिर महानद, फिर जवेरों की नहरें, फिर महानद। तो पांच ये परिक्रमा और पांच महानद। और ये अगर आप देखेंगे चर्चनी में, तो
तो हर सागर, आठ सागर है ना, आठ सागर आठ जिमी, तो हर सागर से दो खड़ी नहरें आती हैं और वो महानद में गिरती। तो आठों सागर से ऐसे गिरी, ऐसे गिरी, ऐसे गिरी, तो आठों सागरों का जल कहां आ जाता है? महानद में। फिर एक महानद दूसरे महानद से जुड़ा, तो वही खड़ी नहरें सागर से आती हैं पहले महानद में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, और फिर सारे महानद आड़ी नहरों से जुड़ी होती हैं। तो खड़ी नहरें सागर से आती हैं और सागर से आड़ी नहरें निकलकर सभी महानद को आपस में जोड़ लेती हैं। तो उस महानद के अंदर कौन सा जल होता है? राजी के दिल के अंदर विराजमान अनंत सागरों का रस उस महानद में होता है। और वही महानद राजी के चरणों की लाख की लीकों में, रेखाओं में बसती है। उस सारी के सारे महानद राजी के चरणों के या श्यामा जी के चरणों के लीकों में बसती है। और परातम का दिल कहां बसता है? राज्य के दिल में। तो राज्य का दिल कहां बसा? अपने अनंत रस के साथ प्रत्यक्ष रूप में अपने ही चरणों के लीकों में, लाख की लीकों में। तो वहां कौन बसा? परातम का दिल। तो उन राज्य के दिल के अनंत सागरों से हमारी क्या हो गई? निस्बत। निस्बत दिल की निस्बत को कहते हैं। तो वहां एक दिल ही है, एक क्यों होए बिना निस्बते इत ही हुई वाहेदत, निस्बत वाहेदत एक है, तो क्यों जुदी कहिए खिलवत? नहीं समझ आई? अब इतना चर्चा के समय नहीं, वो क्लास में पूछना। निस्बत के मतलब होता है संबंध, और परम धाम में रूहों का संबंध, उनके दिल का संबंध राजी के दिल से होता है। एक क्यों होए बिना निस्बतें इत ही हुई वाहेदत, निस्बत वाहेदत एक है। तो वाहेदत माने एक दिली, एक दिली माने किसका दिल? राजी का दिल। वही दिल सबके अंदर, श्यामा जी के अंदर, रूहों के अंदर, परमधाम के 25 पक्षों में लीला करता है, वही हकीकत का स्वरूप हो जाता है। ठीक है, तो सबका दिल एक है, तो सबका दिल निस्बत हुआ ना, दिल से दिल जुड़ा हुआ है। और वाहदत भी उसी को कहते हैं, एक ही दिल है सबके अंदर, तो निस्बत वाहदत एक है, तो क्यों जुदी कहिए खिलवत? खिलवत भी राज्जी का दिल ही है, उसी दिल के अंदर सारी लीलाएं चल रही। क्या वो परमधाम की लीला हो, क्या यहां की लीला हो, क्या परातम की लीला हो, क्या वो आतम की लीला हो, सारी लीलाएं का मूल कहां है? राज्जी का दिल। और उस दिल से परातम का दिल जुड़ा है, आतम का दिल जुड़ा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? निस्बत। इस ब्रह्मांड में तनों का रिश्ता होता है, पति पत्नी, बाप बेटे, बाप बेटियां, ये सब तन से एक संबंध हमारा जुड़ा होता है। लेकिन दिल सबके अलग अलग होते हैं। परम धाम में दिल भी एक होता है और तन भी एक होता है। तो एक तनी एक दिली। ठीक है, अब तो रूहों का खाना पीना कहां होगा? राजी के चरणों में। आप देखो, जैसे एक समंदर है, समंदर के अंदर बहुत सारे जल जंतु होते हैं से मछलियां,
वो मछली समुंदर के अंदर रहती है, वही झीलती है, उसी समंदर से उसका खान पान होता है, श्वास भी वो उसी जल के अंदर विद्यमान ऑक्सीजन से लेती है। लेकिन क्या उसको पता होता है कि मेरा खान पान इस जल से होता है? क्या उसको पता है कि मैं जी रही हूं तो इस जल के अंदर विद्यमान ऑक्सीजन को पीकर मैं जी रही हूं? क्या उसको पता है? उसको वहां से जल से निकाल के बाहर फेंक दो तो ना उसको भोजन मिलेगा और ना उसको उसकी श्वास चलेगी, मृत्यु तुल्य हो जाएगी या मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। अब यहां देखो, परम धाम में परात्म को आज तक नहीं पता था कि मेरे अंदर का सारा खान पान, प्रेम रस, सब कुछ राज्जी के दिल से मिलता है। तो दिल से बाहर किया और इल्म दे दिया तो पता लगा कि जिस समंदर में हम रहते थे वही मेरा तो सब कुछ था, मेरा खान पान, आहार, सोच विचार सब उसी के अंदर था। तो कह रहे हैं, खान पान इनो इत ही रूहे रहे तले कदम। तो देखो, ऐसे प्रत्यक्ष में दिल नहीं दिखता, तुम्हारा तन दिख रहा है ना मुझे, और आपको मेरा तन दिख रहा है, ना मुझे आपका दिल दिख रहा है और ना आपका, ना आप मेरे दिल को देख पा रहे हो। लेकिन राजी ने क्या करिश्मा किया कि अपने दिल को अपने ही चरणों में प्रत्यक्ष कर दिया, लो मेरे दिल का रस यही चरणों में बैठकर पियो, और उसके अंदर वो लीके जो हैं वो उसके अंदर सारा राजी का अनंत रस वहीं बहाने लगे, और मैं उसी लीक में रहती हूं, उसी चरण कमल का कोमल स्पर्श प्राप्त करती हूं, उसका सुगंध प्राप्त करती हूं, उसको छूने मात्र से। परम धाम में क्या आप लोगों को पता है कि हर इंद्रिय, हर ज्ञानेंद्रिय का काम करती है? मेरे सुंदर साथ, क्या ये बात को जानते हैं कि नैन जो हैं वैसे तो सिर्फ देखने का काम करते हैं, लेकिन परम धाम में जो आत्माएं हैं, परम धाम के जो 25 पक्ष हैं, उनके जो नैन हैं वो देखने का भी काम करते हैं, सूंघने का भी काम करते हैं, सुनने का भी काम करते हैं, स्पर्श का भी काम करते हैं और स्वाद का भी काम करते हैं। कोई मुझे राज्जी के चरणों को ऐसे छूना नहीं है उसके स्पर्श को प्राप्त करने के लिए, देख लिया तो अपने नैनों से ही उन चरणों का स्पर्श अपने दिल में प्राप्त कर लिया। उसके अंदर जो चरण के लाख में जो लीके हैं, जिसके अंदर राज्जी के दिल के अंदर विराजमान अनंत सागरों का समूह, महासागर की लहरें बहती हैं, उस लहरों से जो संगीत निकल रहा होता है, नूरी संगीत, वो भी मैं अपने नैनों से सुन सकती हूं। तो मेरा खान पान भी इधर ही और संगीत का श्रवण भी चरणों से, और अपने नैनों से ही उसके स्पर्श का सुख, और अमृत रस जो बह रहा है उसके स्वाद का भी सुख। तो मैं देख भी रही हूं, सुन भी रही हूं उसमें बहने वाले संगीत की लहरों को, उसकी सुगंध को सूंघ भी रही हूं, वहां की सुगंध महासुगंध है। अनंत फूलों की क्यारी में
जो सुगंध है वो उसका एक लवलेश मात्र भी नहीं, इतना है सुगंध। तो उस सुगंध को मैं कैसे हासिल कर रही हूं? अपने नैनों से। और उस अमृत रस का पान मेरे दिल के जुबां कर रही है, तो वो भी मैं नैनों से पान कर रही हूं। और उस महासागर में झीलने का स्पर्श का सुख भी, जब आप जल में झीलते हो तो जल आपके त्वचा से लगता है, तो एक जैसे गर्मी के दिन हैं और एक शीतल जल आपके त्वचा को छूता है तो बहुत सुखद अनुभव होता है, वैसे ही राज्जी के दिल के अंदर विराजमान अनंत सागरों का समूह महासागर, जो राज्जी के चरणों के लीकों में अनवरत ढंग से अनवरत रूप से बह रहा है, रूहें अपने नैनों से उस जल का स्पर्श प्राप्त कर रही हैं। तो ये जो अरवाहें अर्श की पड़ी रहे तले कदम, उनका और कोई स्थान नहीं है, वो चरण तली है। खान पान इनो इतही रूहें रहें तले कदम। बस अब आप ये देख लो कि आपके मूल तन कहां बसते हैं, राज्य के चरणों में, और चरणों में बैठ के राज्य के दिल के अनंत सागरों का रस का पान करते हैं, उसका संगीत सुनते हैं, उसकी सुगंध लेते हैं, उसके स्पर्श का सुख लेते हैं, और सब कुछ अपने नैनों से लेते हैं। ठीक। याही ठौर रूहें बसत रात दिन रहे संकुल। संकुल माने जानते हैं आप लोग, प्रसन्न। तो जब ऐसी जगह बसते हैं जहां पे अनंत आनंद का स्रोत है, राज्जी के चरण कमल आनंद, अनंत आनंद का स्रोत है, वहां ही से सब आनंद बहता है, तो रात दिन रहें संकुल, हमेशा हम प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। यानी हमें अगर प्रेम मिल रहा है, इश्क मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, तो हम प्रसन्न ही रहेंगे। हक अर्स मोमिन दिल तिन निमक न पड़े भूल। और जो रूहें हैं इस बात को कभी भूलती नहीं है। अब आ जाते हैं, हक कदम हक अर्स में। परमधाम में तो राज्जी के कदम है ही, और यहां पर आत्माओं का दिल राज्जी का अर्श है, तो वो कदम कहां पड़े? आत्माओं के दिल में। तो ये दिल अर्श हो गया जहां राज्जी के चरण पड़े। एक चरणों के अंदर एक चौपाई है, सिंगार के प्रकरण 6 में 22 नंबर की चौपाई है। रूहें उतरी अपने तन से, हमारे साथ साथ बोलो, और कहया उतरे अर्स से। तन दिल अर्स एक किए, हके कदम धरे दिल में। इसकी प्रक्रिया देख के प्रसन्न हो जाओ, संकुल हो जाओ। कैसे हो रहा है? रूहें उतरी अपने तन से, राज्जी ने रूहों को अपने चरणों में बिठा रखा है, तो ऐसा लग रहा है कि ये तन इस ब्रह्मांड में आया है, जबकि तन नहीं आया, वो नूरी तन नहीं आया, उसका दिल आया। तो रूहें उतरी अपने तन से, इश्क रब्द किसने किया? प्रत्यक्ष में रूहों के तन ने। कर कौन रहा था? उनका दिल। और दिल में बैठ के करा कौन रहा था? राज्य। लेकिन प्रत्यक्ष में तो ऐसे ही लगता है ना,
आपका दिल मुझे कोई किसी को भी कोई प्रेम के वचन सुना रहा है, तो हम तो यही समझे ना कि आपका तन सुना रहा है। तो रूहें उतरी अपने तन से और कहया उतरे अर्श से, कि परम धाम से हम उतरे हैं, लेकिन परम धाम से हम कहीं गए नहीं, हम उनके चरणों में बैठकर अपने तन के अंदर विराजमान दिल और वो दिल विराजमान राज्य के दिल में और वो राज्य के दिल के नैन की नजर अपने ही प्रतिबिंबित स्वरूप पे पड़ गया और वो प्रतिबिंबित स्वरूप पर आत्म के दिल के नैन की नजर को लेकर और राज्य की नजर को लेकर और राज्य के हुक्म को लेकर इन तनों में आकर विराजमान हो गया। तो रूहें उतरी अपने तन से और कहया उतरे अर्श से, तन दिल अर्श एक किए, हके कदम धरे दिल में। राज्य ने इस दिल में अपने कदम रख दिए तो देखो क्या हो गया, मेरा तन क्या कहलाया, ब्रह्म सृष्टि। दिल किसका कहलाया, ब्रह्म सृष्टि का दिल। दिल मोमिन अर्श तन बीच में, उन दिल बीच ए दिल, कहने को ए दिल है अरसे दिल असल, वही दिल इस दिल के अंदर आकर विराजमान हो गया। तो राजी कहते हैं हक कदम हक अर्श में, सो अर्श मोमिन का दिल, छूटे ना अर्श कदम जो याही की होए मिसल। जिसकी निस्बत इन चरणों से है उनसे ये चरण कभी छूटेंगे नहीं। अब जरा खास चौपाई है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक चरण राखूं दिल में और ऊपर हेड़े लेके फिरो नैनन पर और सिर पर राखूं ए। सुंदर साथ, बहुत ही गहरी बहुत प्यार भरी चौपाई है। ए चरण राखूं दिल में, अब आत्मा के दिल में क्या विचार आता है, राज्जी के इल्म को पा लेने के बाद आत्म जब जागृति के पथ पर निकल लेती है, अग्रसर हो लेती है, तो उसके दिल में एक बात आती है कि ये चरण मुझसे कभी अलग ना हो। तो अलग ना हो तो क्या करें। मैंने कल भी क्लास में उदाहरण दिया था, तो उस चरणों को अपने दिल में रख लो। आप देखो, हम लोग कहते हैं ना यहाँ कि भाई यहाँ बहुत हल्ला होता है, चलो हम चितवनी करने के लिए हिमालय की गुफा में चले जाए। तुम जहां भी जाओगे अपने दिल को लेकर जाओगे ना, तन यहां बैठे वहां बैठे वहां बैठे कहीं भी बैठे, लेकिन उसका दिल हमेशा उसके साथ रहेगा। तो मैंने क्या किया, मेरी आत्मा ने सोचा इन चरणों को अपने दिल में रखूं तो मेरे तन की कोई भी स्थिति रहे, जब तक ये तन है ये दिल उसके अंदर है, और दिल उसके अंदर है तो राज्य के चरण कमल उस दिल के अंदर। तो क्या कहते हैं, ये चरण राखूं दिल में। अब हमें ये देखना है कि क्या हम आज दिन तक इस चरण कमलों को, जिसकी लीकों का अभी मैंने वर्णन किया कैसे उसके अंदर राज्य के दिल का रस है, तो उस चरण को अगर मैं अपने दिल में रख लूं तो इससे भली बात कोई और इस ब्रह्मांड में हो सकती है। हमारे दिलों में हमारे बच्चे रहते हैं, पति के दिल में पत्नी, पत्नी के दिल में पति, मित्र, यही सब, ये जो यहां के नाते संबंधी हैं, तन से जो संबंध है वही, उन्हीं को हम अपने दिल में रख लेते हैं। लेकिन ब्रह्म सृष्टियों के लिए क्या आदेश है, ये चरण राखूं दिल में।
और ऊपर हेड़े, दिल और हेड़ा के अंदर अंतर समझते हो ना? नहीं है? है? साफ बोलो ना यार। हेड़ा माने छाती और छाती के अंदर दिल, दिल दिखता नहीं छाती दिखती है, तो छाती है हकीकत और दिल है मार्फत, समझ गए? और मार्फत हकीकत में प्रकट कैसे होता है? छाती से। दिल प्रकट होता है छाती से। तो कहते हैं और ऊपर हेड़े, हेड़े का तात्पर्य होता है प्रेम। जैसे आप अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हो तो किससे चिपटाते हो? छाती से। तो उसी तरीके से अगर राजी को हम के चरणों को अपनी छाती पे रखते हैं तो ऐसे लगता है कि मैं प्रेम के सागर में डूब गई और मैं उनको आनंद पिला रही हूं। ठीक। ये चरण राखूं दिल में और ऊपर हेड़े, यानी कि मेरी मार्फत अवस्था में भी राजी के चरण रहे और हकीकत अवस्था में भी राजी के चरण मेरे हेड़े पर रहे। लेके फिरो नैनन पर। अब जैसे कहते हैं ना कि मेरे नैनों में आके बस जाओ, एक है ना कोई, क्या है, बैसो रे मेरे नैनन में मेरे नंदलाल। तो चलो, उन्होंने कहा तो जरा समझो कि अपने नैनों में बसाने से मतलब क्या होता है, कि उनके दीदार, नैनों से होते हैं ना, उनके दीदार मैं हर घड़ी हर पल करती रहूं। तो अगर ये चरण मैंने अपने दिल में रख लिया तो ये कभी हमसे छूटेंगे नहीं। छाती से लगा लिया तो प्रेम के रस से सराबोर हम हो गए और उनको आनंद से सराबोर कर दिया, और नैनन में रख लिए तो वो चरण कमल के दीदार मुझे हर घड़ी हर पल होता रहेगा। आगे लेके फिरो नैनन पर और सिर पर रखो ए, और सिर पर रखो तो कहां कहां रखे? दिल में, हेड़े पर, छाती पे, दिल पे, छाती पर, नैनों में और सिर पर। सिर पर रखने का क्या तात्पर्य हो सकता है? देखो यहां पे हम सब जो हैं, ये हमारा सिर जो है वो हमारे अहंकार का स्वरूप है, मेरी मैं का स्वरूप है। भाई हम कुछ भी करेंगे सिर नहीं झुकाएंगे। तो सिर नहीं झुकाएंगे के क्या मतलब? मेरी मैं। तो जब उस चरणों को मैं अपने सिर पे रख लूंगी तो मेरी मैं निकल गई और हक की मैं आ गई। और जैसे ही हक की मैं आई तो मैं न रही। क्या हो गया? मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं सो मारना मैं। ठीक है ना? तो ये चरण राखूं दिल में और ऊपर हेड़े, लेके फिरूं नैनन पर और सिर पर राखूं ए, भी राखूं बीच नैन के और नैनों बीच दिल नैन, भी राखूं रूह के नैन में जो रूह पावे सुख चैन। अब ये मुझे पूरा यकीन है कि अभी सुना तो है, अभी किसी ने समझा नहीं है, और ये बड़ी प्यारी सी चौपाई राज जी ने हमें दी है। उनकी एक चौपाई है, मेरी रूह नैन की पुतली, तीन पुतलियों के नैन, तीन नैनन में राखूं मासूक को जो मेरी रूह पावे सुख चैन। समझ आ रही? मेरी रूह नैन की पुतली, क्या मतलब हुआ? मेरी जो परातम है वो राजी के नैनों की पुतली है। जैसे हम नहीं अपने बच्चे को कहते हैं
मेरे नैन के तारे, मेरे नैन की पुतली, मेरे जिगर के टुकड़े, पता नहीं क्या क्या अलंकारों से हम अलंकृत करते रहते हैं जो हमारा सबसे प्यारा होता है। तो राजी के नैनों की पुतली में बसता कौन है? परातम का प्रतिबिंब, यानी परातम बसती है। तो मेरी रूह नैन की पुतली, राजी के नैन की पुतली है पर आत्म। मेरी रूह नैन की पुतली, तीन पुतलियों के नैन, आत्मा जो है उस पर आत्म, जो पुतली है राजी के नैनों की, उसके नैन है आत्मा। तीन नैनन में राखू मासूक को, जो मेरी रूह पावे सुख चैन। अब अपने आत्मा के दिल में जब राजी आकर विराजमान होते हैं तो किसको सुख चैन मिलता है? राजी को। भाई राजी को भी तो अपना स्थान चाहिए, तो वो रूहों के दिल में आके बस जाते हैं, जो मेरी रूह पावे सुख चैन। आत्मा को तो चैन मिलेगा ही, लेकिन राजी को भी वही करार मिलता है। जैसे कहते हैं ना, अर्श तुम्हारा सेज बिछाई, यही तुम्हारा विश्राम है ना। ये जब इंद्रावती कहती है राजी को कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुचि रुचि के, मतलब आपके सभी नियामतों को से मैंने अपने दिल को सजा लिया है, और अब आके तुम उस पर विश्राम करो। लेकिन अगर यही सोचो कि ये राजी कहते तो क्या कहते? वो कहते हैं अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुचि रुचि के, यानी यहां पर अपने दिल में मैंने अनंत सागरों के न्यामत निधियां संपदाएं अपने दिल में तुम्हारे लिए बिछा रखी हैं, आओ तुम यहां, तुम्हें चैन मिलेगा, यही करो विश्राम। ठीक है। महामत कहे इन चरण को, राखो रूह के अंतस्करण, रूह के दिल में रखो, या रूह नैन की पुतली बीच राखो तिन तारण। तो ये जो रूह है परातम का प्रतिबिंब है, राज्जी के नैन की पुतली है, उनके आत्माओं के दिल के नैन के तारों में रखो। ये पुतली जैसे बड़ी वाली और उसके अंदर जो छोटी वाली वो तारा, मतलब बिल्कुल अंदर प्रवेश कर जाओ तो जो राज्जी के दिल से जुड़ी हुई होती। ठीक। अब राजी का तीसरा श्रृंगार प्रारंभ होता है। फेर फेर स्वरूप जो निरखिए, नैना होए नहीं त्रिपित, मोमिन दिल अर्श गया लिखी ताले ये निस्बत। ये राजी के चरण कमल सबके दिल में नहीं आते, सिर्फ निस्बतियों के दिल में आते हैं जो ब्रह्म सृष्टिया है। अब जो इतने दिन से चितवन का प्रयास कराया जा रहा है वो क्यों करा रहे हैं? कि वो राजी का पूर्ण स्वरूप अपने चरण कमल के साथ, अपने सुंदर मुखारविंद के साथ, अपने सुंदर बके नैन कमल के साथ मेरे दिल में आकर बस जाए। ये है चितवनी की उपलब्धि। तो कहते हैं फेर फेर स्वरूप जो निरखिए, हर घड़ी हर पल राजी के स्वरूप को, जुगल स्वरूप को, परम धाम को देखिए। किससे देखिए? दिल के नैनों से।
फेर फेर स्वरूप जो निरखिए नैना होए नहीं त्रिपद। और इतना रस मिलता है कि हम अघाते नहीं, हम पीते ही रहते हैं उसको। मोमिन दिल अर्स कहया लिखी ताले ए निस्बत। ताले माने भाग्य, ये निस्बतियों के भाग्य में है क्या, राजी के चरण कमल और उनका पूर्ण स्वरूप। देखो चरण कमल जब दिल में आता है तो उनका एक एक अंग आने लगता है। आप ये सोचो चरण को छोड़ो ऐसे ही डायरेक्ट पहुंच जाओ तो वो होगा नहीं। ए मेहर करें चरण जिन पर, बोलो आगे बोलो, देत हृदय पूर्ण स्वरूप। तो जब ये जो चरण कमल है, ये मेहर करें चरण जिन पर देत हृदय पूर्ण स्वरूप, जुगल किशोर चित्त चुभत सुख सुंदर रूप अनूप। तो वो राजी के चरण कमल जब दिल में आते हैं तो उनकी मेहर बरसने लगती है, और मेहर जैसे जैसे बरसती जाती है वैसे वैसे उनका पूर्ण स्वरूप आ जाता है। तो फेर स्वरूप जो निरखिए, तो सबसे पहला जो प्रारंभ हम करते हैं वो राजी के चरण कमलों को अपने हथेली पर लेते हैं, परातम की हथेली पर, आतम की हथेली पर, आतम परातम का श्रृंगार सज के राजी के चरण कमलों को अपने हथेली पर रखते हैं। मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ देख भर लें तो चरण कमल मेरे दिल में आ जाते हैं, लेकिन ये परम धाम में होता है। यहां के लिए राजी ने कहा है कि पहले हाथों पकड़े दो उपाय, पहले दोनों चरण कमल को अपने हाथों में पकड़िए। ए नैन अंग नूर जमाल के सो आसिक से क्यों जाए। जो कदी आसिक, आसिक हम ब्रह्मात्माओं को यहां कहा है, जो कदी आसिक खोले नैन को, यानी कि जब आत्मा तारतम के प्रकाश से माया का जहर उतर गया और मैं अपने मूल को देखने लगी, तो जो कदी आसिक खोले नैन को, अब उसके नैन माया को नहीं देख रहे हैं, राजी को देख रहे हैं। तो ये चितवनी भी उसकी प्रक्रिया है ना। जो कदी आसिक खोले नैन को, पहले हाथों पकड़े दो पाए, और तब क्या मिलेगा आपको, उनका पूर्ण स्वरूप। और क्या मिलेगा, मुख कमल। मुख कमल कैसा है, गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए, सुंदर मुख चौक, सुंदर हरवटी, लाक अधर नासिका श्रवण अंग गाल भौहें भ्रिकुटी नेत्र कमल पुतली तारे बरौनिया निलवट केश बाजू चरण कमल, इस सारा कुछ हमारे दिल में आ जाता है। अब देखो सबसे पहले चरण कमल, उससे पहले आपका एक अटूट श्रद्धा पूर्वक विश्वास यकीन बस जाता है, और फिर नैनों से जो तरकश खींचते हैं उसका रस मिलता है। कैसे, जब खैचत भर कसिस तब मुतलक डारत मार, इनविद भेदत सब अंगों तो मूल तन मिटत विकार। मूल तन को भी कोई विकार है क्या, मूल तन को विकार नहीं है, मूल तन की जो खेल देखने की इच्छा है वो समाप्त हो जाती है, अब बस राजी के
मुखारविंद पे वो अपने आप को दृढ़ रखना चाहती है आत्मा के माध्यम से। तो जब खेचत भर कशिश, कशिश माने समझते हो, पूरी आकर्षण शक्ति के साथ जब खेचत भर कशिश, तो देखो ये जो भ्रिकुटी होती ना यहां पे, वो बाण रखने का स्थान होता है, और ये जो होते हैं उसके दो ऐसे तम प्रत्यंचे होते हैं, और जो देखने की प्रक्रिया है वो डोरी है, उस पे बाण चला के राजी जब अपने नैनों से देखते हुए बाण चलाते हैं, वो सीधा रूह के दिल के नैन के अंदर प्रवेश कर जाती है। कभी तो देखो चितवन में कि राजी किस प्रकार से अपने नैनों से अपने दिल के अंदर जो तरकश बंधा हुआ है, दिल रूपी तरकश जिसके अंदर बाण रखे हैं, एक एक करके निकाल के वो अपने अनियारे बके नैनों पर, चंचल चपल नैनों से लेके भावों के बीच भ्रिकुटी पे चढ़ाकर जब चलाते हैं, तो वो हमारे दिल को घायल कर देती है। ऐसे फेर फेर स्वरूप जो निरखिए, नैना होए नहीं त्रिपित, मोमिन दिल अर्स गया लिखी ताले ए निस्बत। सिंगार किया सब दुल्हे वस्त्र या भूखन, अब बखत हुआ देखन का देखो रूह के नैन। इसके मतलब समझ आ रहा? सिंगार किया सब दुल्हे वस्त्र या भूखन, तो कितने प्रकार के सिंगार किए, वस्त्र और भूखन, तो खाली यही सिंगार होता है कि मतलब मेरे राज्य के स्वरूप को हमने वस्त्र से सजे हुए देखा, तो वस्त्र तो उनके अंगों का ही नूर है, तो वस्त्र और आभूषण सजे हुए हैं, लेकिन और किससे सजाया है? सिंगार किया सब दुल्हे वस्त्र या भूखन, अब बखत हुआ देखन का देखो रूह के नैनन। जो राज्य के दिल के अनंत सागर हैं, वो उन्होंने अपने वक्ष स्थल पे लाकर, अपने नैनों पे लाकर उस अर्श की हकीकत में प्रकट कर दिया, और अब सिर्फ उनके वस्त्र और आभूषण ना देखो, उनके चरणों को देखो, उनके मुख कमल को देखो, उनके नैनों को देखो, अनियारे बके नैनों को देखकर, और उस दिल के अनंत रस बाण के रूप में उनके नैनों की भ्रिकुटी पे चढ़े हुए तरकश से सभी रस निकाल के अपने स्वरूप को सुसज्जित कर दिया, और उसको देखो, उनके चरणों को देखो, तो अब बखत हुआ देखन का, पहले नहीं हुआ था। पहले क्यों नहीं हुआ था? हाँ बोलो बोलो। ठीक है ठीक है, बैठो अभी बैठो। नहीं कुछ नहीं बेटा, बैठ जाओ। अब बखत हुआ देखन का देखो रूह के नैनन। देखो ऐसा है, परातम तो फरामोशी में चली गई, अब उसके नैन तो कुछ देख नहीं पा रहे हैं, और जो भी प्रक्रिया होती थी परमधाम में वो परातम करती थी, अब वो न देख पा रही है, न सुन पा रही है, न कुछ कह पा रही है। तो वो राजी कहते हैं अब बखत हुआ देखने का। अब अगर इल्म से आत्मा देखती है तो परातम का दिल भी देखता है, रस परातम पहुंचाए। तो अब बखत हुआ देखने का देखो रूह के नैनन। परातम के, परातम राजी के नैन की पुतली है, उस पुतली के नैन आत्मा है, तो देखो रूह परातम के
नैनों से जो ये आत्मा है, और अब आत्मा के नैनों से उसको देखो तो आपको राजी पूर्ण सिंगार के साथ नजर आएंगे। इसके साथ की दो तीन चौपाइयां हैं जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा, आप सुन लो उसको और उसका रस ले लो। जो रूह नैनों में न समा वही, सो जुबां कहियो क्यों जाए नहीं, सॉरी हाँ, यो वस्त्र भूखन अंग चेतन, सब लेत आसिक जवाब, कहे सबका लेऊं पड़ उत्तर, ए नहीं रूह मिने ख्वाब। इसके नहीं मतलब समझ में आया होगा, अभी दो दिन से तीन दिन से तो ये चर्चा चली रही है कि परम धाम में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आत्मा नहीं है। तो जितने हार हैं या जितने भी आभूषण हैं वो क्या है? आत्मा। तो अब देखने का प्रयास करो कि वो सारे हार, पांच हार हैं, हीरा, लसनिया, हीरा माणिक मोती नीलवी लसनिया, ये पांच हार हैं। तो इसकी जो दुगदुगी है या जो लटकती है ना, पेंडेंट कहते हैं, उसके अंदर हीरा के अंदर हीरा उसके अंदर, और जितने ये वो मोती ऐसे होते हैं ना, वो दाने, वो सब हीरा के होते हैं और दूसरे में दूसरे के होते हैं, और उसके अंदर नौ नग होते हैं। जैसे हीरा लसनिया गोमादिक मोती पन्ना परवाल पाच नीलवी माणिक पुखराज और मणि, तो जैसे हीरा का है तो बाकी नौ वहां होंगे, माणिक का है तो बाकी नौ वहां होंगे, तो ऐसे यहां पे है और ये सारे के सारे। तो एक तरीके से परमधाम के हर नग आभूषण के अंदर जड़ित होकर राज्य के हेड़े पर विराजमान है। तो मेरी आत्मा कह उठती है कि ओ मेरी संगी आत्माओं, तुम्हारा क्या भाग्य है, तुम मेरे धनी के छाती से वक्ष स्थल से हर घड़ी हर पल चिपकी रहती हो। चरणों के आभूषणों से मैं कहती हूं कि तुम्हारे क्या भाग हैं, तुम हर घड़ी हर पल राजी के मेरे दुल्हे के चरणों से लिपटी रहती हो, बाजूबंद से उनके बाजुओं से लिपटी रहती हो। तो वो चर क्या हमें उत्तर देते हैं? आप सही कह रहे हैं, मैं राजी के हेड़े से, हम लोग, हम आत्माएं राजी के हेड़े से चिपकी रहती हैं, चरण कमल से चिपकी रहती हैं, बाजू से चिपकी रहती हैं, पाद पे रहती हैं, लेकिन आप अपना भाग्य देखो, आप तो राजी के दिल में रहते हो, मैं तो हकीकत में रहती हूं, आप मार्फत में रहते हो। तो परआत्म का असल ठिकाना है मार्फत राजी का दिल, और वस्त्र और आभूषणों का ठिकाना है हकीकत। समझ आई? तो ये जो एक मधुर वार्ता होती है, ये कभी मैं पहले चितवनी कराता था तो उसमें मुझे ऐसा भाव आता था कि पांच फिरावे पार किया तो
उत्तर की तरफ बड़ोबन मधुबन महाबन, दक्षिण की तरफ कुंज निकुंज हौज कौसर 24 सांस का महल, और इधर केल का पुल, इधर बट का पुल, सात घाट। तो जब मैं केल के पुल पे चलती हूं तो वहां कितने हिंडोले हैं? ग्यारह सौ, कोई 12,000 बोल रहा है कोई, हाँ 1100। पांच भोम है ना, एक एक भोम पे 220 हिंडोले। आज क्लास में बता सकता हूं मैं तुम्हें ये कैसे आते हैं हिंडोले। तो ये हिंडोले जो हैं 220 हिंडोले एक पर, और ऐसे परिक्रमा ग्रंथ में प्रकरण 39 है प्रेम अंग को वर्णन। अरे पढ़ के देखो, मैं सच बताता हूं, ना तुम बेहोश हो जाओ तो कहना, अगर उसको दिल में लोगे तो। दिल में नहीं लिया, ऐसे पढ़ लिया तो कोई बात नहीं। तो उसमें ये कहते हैं राजी कि हिंडोलों पर हम पौढ़ने का सुख लेते हैं, खाली झूलने का सुख नहीं, पौढ़ने का। राजी, श्यामा जी और 12,000 रूहें, ये सारे के सारे उस पे उनका शयन कक्ष हो जाता है ये हिंडोला। और जमुना जी के तीर पर, सोचो जमुना जी की लहरें सतह से लेके आसमान तक अपनी सुगंध बिखेरती हुई, अपनी मधुरम छटा बिखेरती हुई, सुंदर लहरों की संगीत गुनगुनाती हुई, और हमारे हिंडोले स्वतः उस संगीत की थाप पर ऐसे ऐसे हिंडोले झूल रहे। और मैं अपने दूल्हे के साथ, यानी हर ब्रह्म सृष्टि उसके अंदर बैठकर अपने जुगल स्वरूप, अपने धाम के धनी के साथ कैसा रस लेते हैं? शयन का। जो हम रंग परवाली में सुख लेते हैं, वही सुख हम हिंडोलों पर भी लेते हैं। तो जब मैं हिंडोलों पे पहुंची सुरता से, जब हम मूल मिलावे में पहुंचते हैं ना ऐसे, तो ऐसा भाव आता है कि जब मैं हिंडोलों पे के पास पहुंची तो हिंडोलों से एक आवाज आती है, ओ मेरी प्यारी संगी आत्माओं कहाँ थी, आओ आओ मेरे ऊपर विराजमान हो जाओ, मुझे भी अपने संग का सुख दो। और जैसे ही मैं बैठी हम अपने पिया के साथ, जुगल स्वरूप के साथ, अपनी सभी ब्रह्मात्माओं के साथ झूलने लगी, मानो आसमान तक जा रही, जिमी तक आ रही, फिर अंबर तक जा रही, ऐसा दिल में भाव आता है। तो हर से बात कर सकती हो। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग इतने दिन से चर्च नहीं करते, वर्षों हो गए, वाणी पढ़ते हैं, परमधाम के नक्शे देखते हैं, कभी ऐसा लगा कि आपने पुखराज पहाड़ से बात किया? आप पुखराज पहाड़ के किनारे बैठ गए या आकाशी चांदनी पे बैठ गए, आकाशी महल की चांदनी पर या झरोखों पर, कभी ऐसा लगा कि उनसे बात किया? वो भी हमारी संगी आत्माएं, जितना रस मेरे पास है उतना ही रस उनके पास भी है। उनके दिल में भी राजी का ही दिल है, उनका तन भी वैसे ही नूरी तन है जैसे मेरा तन राजी का नूरी तन है। तो कभी तो हिंडोलों से बात कर लो, कभी तो उन हवाओं से बात कर लो, कभी तो उस जल से बात कर लो, कभी तो आसमां जिमी से बात कर लो,
कभी तो उस श्रृंगार से बात कर लो। श्रृंगार सजाना एक चीज और उनसे बात करना एक चीज। सोचो, जैसे मान लो आपने, हालांकि परम धाम में पहनना उतारना कुछ भी नहीं होता, लेकिन आप हीरे वाला हार आपने अपने हाथों में लिया और उसके एक एक नग को सजाना शुरू किया, ऐसे ऐसे, और उसको ऐसे प्यार से स्पर्श का सुख दिया और उसको लेके अपने पिया के गले में डालते हुए गर्दन पे और उनके हेड़े पे लाके रख दिया। और उस समय मैं हारों से बात करती हूं कि आओ मेरी अंगना, मैं तुझे सजा दूं अपने पिया के वक्ष स्थल पर रहने के लिए। तो ये बातें भी तो हमें करनी है ना, लेकिन ये सारी बातें तब होती हैं जब हम चितवन के द्वारा धनी के स्वरूप को अखंड रूप से अपने दिल में बसाकर, माया को हटाकर, अपने दिल को खिलवत का रूप देखकर, उसका रंग रस देखकर, उसके अंदर जुगल स्वरूप को देखकर, फिर अपने ही दिल के अंदर धाम धनी का दीदार भी करते रहें, उसके साथ लीला भी करें, उसके साथ क्रीड़ा भी करें, उनके साथ प्रेम भी करें। तो ऐसा ये है। तो कहते हैं, इश्क बसे सब अंग में, सब विद देत हैं सुख, कई सुख हरेक अंग में, सो कहियो न जाए या मुख। तो राजी के अंग अंग में क्या बसा है? इश्क। उनके वस्त्र और आभूषण में क्या बसा है? इश्क। आपके अंदर क्या बसा है? इश्क। तो सब कोई किससे भरपूर है, लबालब है? इश्क से। तो बात करो तो इश्क की, गुण पख इंद्रिय सब नूर की, नूरे कहन सुनन, गुण पक इंद्रिया और कहन सुनन, सारे नूर के हैं और सारे इश्क के, सब राजी के दिल के अंदर। तो अपनी सुरता को हर घड़ी हर पल राजी के चरणों से लगाए रखो, उसको अपने दिल में बसाए रखो और बस मस्त रहो। तो इसी चौपाई को दोहरा लेते हैं। इश्क बसे सब अंग में, सब विद देत हैं सुख, कई सुख हर एक अंग में, सो कहियो न जाए या मुख, सो कहियो न जाया मुख। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे।